जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, इसी के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को कवर करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, प्रोफेशनल उत्तराखंड सर्च करके भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत या बागेश्वर। तो दोस्तों, कुमाऊं की जो दानपुर घाटी है, ये बागेश्वर जनपद में है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके रिवीजन के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे या हर्षदेव औली। तो दोस्तों, हैप्पी क्लब की जो स्थापना है, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि UKD का गठन कब किया गया था? 1978, 1979, 1975 या 1976 में। तो दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन है 1979 यानी कि 1979 में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी या अल्मोड़ा। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो वासुदेव मंदिर है, ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में उत्तराखंड की स्वच्छ छावनी कौन सी है? रानीखेत छावनी, देहरादून छावनी, अल्मोड़ा छावनी या रुड़की छावनी। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा छावनी। देखिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, चौफिट सीकर बुग्याल कहाँ स्थित है? पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली या उत्तरकाशी। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो खटीमा गोलीकांड जो है दोस्तों, ये 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1994, 2 सितंबर 1994 या 2 अक्टूबर 1995। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फर या रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था। अगला प्रश्न है पर, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1996 को। याद रखेंगे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप रावत, यशवंत कटोच, अजय रावत या घनश्याम जोशी। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुलदीप रावत। अगला प्रश्न है, उंटेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या चंपावत। तो दोस्तों, उंटेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन है? मनोरमा शर्मा, इंदिरा हृदयेश, अमृता रावत या राजलक्ष्मी शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोरमा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है यहां पर टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी या चमोली। तो दोस्तों, सर्वाधिक ब्लॉक वाला जो जिला है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पौड़ी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम ब्लॉक वाला जनपद कौन सा है? रुद्रप्रयाग बागेश्वर, रुद्रप्रयाग चंपावत, चंपावत बागेश्वर या रुद्रप्रयाग अल्मोड़ा। तो दोस्तों, क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 15 की ओर। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी SC के लिए सुरक्षित है? 1, 2, 3 या 4।
तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर कुशाही कर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, गोरखों के द्वारा, चंदों के द्वारा या परमारों के द्वारा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखों के द्वारा जो है ब्राह्मणों पर कुशाही नामक कर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी, विजय बर्थवाल, अमृता रावत, बीना महाराणा या इंदिरा हृदयेश। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजया बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध है, बचेंद्री पाल, रीना धर्मसत्तू, चंद्रप्रभा एतवाल या तानसी नुंगसी। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रप्रभा एतवाल को उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहां पर, उत्तराखंड में पाली पछाऊ किस क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन है कनखल, द्वाराहाट, जोशीमठ या कोटद्वार को। तो दोस्तों पाली पछाऊ के नाम से द्वाराहाट को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर, अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही चुना गया था, ऑप्शन है विद्याधर वैष्णव को, भक्त दर्शन को, जीवी पंत को या पांडे को। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्याधर वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कुमाऊं की गद्दी पर दो बार बैठने वाला शासक था, मोहनचंद, देवचंद, सोमचंद या महेंद्रचंद। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का कौन सा हाईकोर्ट है, 20वां, 18वां, 19वां या 17वां। तो दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का 20वां हाईकोर्ट है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है, महावीर त्यागी, संजीव जोशी, हर्षदेव ओली या कुंवर सिंह। तो दोस्तों देहरादून का सुल्तान के नाम से महावीर त्यागी को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिश्वर महादेव शिवालय निम्न में से कहां स्थित है, जोशीमठ, उखीमठ, कालीमठ या अणिमठ। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोशीमठ। अगला प्रश्न यहां पर, कत्यूरी जागरों में जिया रानी को क्या कहा जाता था, जिया, महारानी, वीरांगना या पिंगला। तो दोस्तों क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में या उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाइस्टीन, कार्बोनिफेरस, मीसोजोइक या जुरासिक। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो ग्लेशियर है ये प्लाइस्टीन युग के माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, मीलम, थांगला, गंगोत्री या खतलिंग। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थांगला दर्रा। अगला प्रश्न है, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा या मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र गठन में मॉडल लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, चीन से, थाईलैंड से या मलेशिया से। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, 2001, 2002, 2004 या 2005। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है, ऑप्शन यहां पर 205, 252 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 136 किलोमीटर। दोस्तों कई बार यह परीक्षा में पूछा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 252 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी है, हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, भक्त दर्शन या हरगोविंद पंत। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेजों के द्वारा राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, सालम का भगत सिंह कहा जाता है, युद्धवीर सिंह को, राजेंद्र सिंह बिष्ट, प्रताप सिंह बोरा या कालू मेहरा। तो दोस्तों प्रताप सिंह बोरा को सालम का भगत कहा जाता है, तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं ए परस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है,
देवकीनंदन पांडे, बद्रीदत्त पांडे, जिम कॉर्बेट या रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवकीनंदन पांडे कुमाऊं ए परस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, पर कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, कौसानी, रानीखेत, द्वाराहाट या मुक्तेश्वर। तो दोस्तों द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ट्रेल ने, इप्टसन ने, रैमजे ने या बिकेट ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेल के द्वारा जो है कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है, मेजर निराला पुस्तक के लेखक कौन है, निशंक, डबराल, पांडे या भक्त दर्शन। तो दोस्तों मेजर निराला नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है निशंक जी, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये था हमारा भाग 26। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।